हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। हाय। तो 3-4 दिन से तो कुछ भी हम लोग ब्लॉग नहीं अपलोड कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा शिफ्टिंग हो रहा था। अभी हम लोग वापस हैदराबाद आ गए हैं। बहुत हेक्टिक टाइम था सही में। 2-3 दिन से तो पूरा वो सेट होने के लिए कुछ मतलब टाइम लगा, इसीलिए हम कुछ ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाए। तो घर का वीडियो हम कुछ दिन के बाद पूरा सेट करने के बाद हम आपको दिखाएंगे, होम टूर देंगे। तो ये है टोली चौकी का नया फ्लाईओवर। तो एक तो पीछे था और ये वाला अभी तो एग्जैक्टली शेखपेट के ऊपर से ये फ्लाईओवर निकल रहा है। एंड ये बहुत जरूरी था ये फ्लाईओवर बनना, मतलब क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज्यादा हो गई थी। मतलब ये लाइन तो अब जैसे स्ट्रेट गच्चीबौली की तरफ निकल रहा है, हाईटेक सिटी गच्चीबौली की तरफ निकल रहा है। एंड यहाँ से ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो चुका था। ये फ्लाईओवर मस्त बहुत अच्छा बन गया है, सुंदर भी लग रहा है ना लाइट्स। बहुत सुंदर लग रहा है यार, सही में बहुत सुंदर लग रहा है। वाओ। और हमारा फर्स्ट टाइम इस फ्लाईओवर पे। तो अभी हम लोग आइकिया जाने के लिए निकल गए हैं, थोड़ा टाइम पास के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली कुछ भी नहीं, ज्यादा कुछ नहीं लगे ना। अभी तो फिलहाल ज्यादा कुछ है नहीं प्लानिंग में लेने के लिए, खाली ऐसे एक चक्कर मार के आ जाएंगे। अच्छा है एटलीस्ट हैदराबाद आ गए। मतलब अब यहाँ पे आने के लिए वारंगल से हमको पेट्रोल का खर्चा, फिर क्या टोल का खर्चा, रहने का खर्चा। हैदराबाद एक डेस्टिनेशन होता था हमारे लिए वारंगल से आना। अब आ गए तो चलो अच्छा है, ये सब चीज एक्सेसिबल हो गया हम लोगों को। क्या खरीदना है देखेंगे, कुछ कुछ छोटा मोटा मोटा चीज लेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आज वो गिम्बल नहीं लेके आई हूँ, खाली मोबाइल से कर रही हूँ, मुझसे एक हो रहा होगा वीडियो। ये फ्लाईओवर पे तो यार पता नहीं हर 5 मीटर में वो रंबलर जैसा बना के रखा है। एंड इस फ्लाईओवर में होना भी जरूरी है, इसी फ्लाईओवर से कार सीधा नीचे गिरा था। मतलब वो एक लेडी एक्सपायर, आप लोगों ने शायद न्यूज में देखा होगा। तो उसके बाद से ना इस फ्लाईओवर में बहुत सारे रंबलर्स बना दिए हैं। एंड 20-30 से ऊपर आप गाड़ी चला भी नहीं सकते इस फ्लाईओवर पे। IKEA में एंट्री कर रहे हैं, अभी पार्किंग एरिया में जा रहे हैं। कार का विंडशील्ड तो देखो यार कितना गंदा है, बहुत गंदा है, हद हो गया। मतलब कार को बिल्कुल हम लोग साफ नहीं कर पाए। ये है IKEA का पार्किंग एरिया।
अभी हम आइकिया में ये खाना ले लिए हैं, ये चिकन टिक्का विद बिरयानी, ये कुकीज, चिकन मीट बॉल्स, चिकन नगेट्स, ये मेरा चीज केक है, ये सुरजीत का मैंगो, और ये वाटर बॉटल। हम लोग जा रहे हैं आइकिया से घर। देखिए नाइट में बहुत अच्छा लग रहा है, ये लाइट्स मस्त किया है ये। तो टोली चौकी से स्टार्ट हो गया राय दुर्गम तक, बड़ा फ्लाईओवर है और स्पेशियस, मतलब काफी चौड़ा भी है। ये एक तरफ का है, वो दूसरे तरफ का तो और डबल उतना। तो खाना पीना सब कुछ हो गया, शॉपिंग भी हो गया है, थोड़ा सा ही चीजें लिए, छोटा मोटा सामान लिए। और अभी घर जा रहे हैं, जाके बस बहुत टायर्ड है एक्चुअली, दो तीन दिन से वो शिफ्टिंग का वो सब काम में। मेरी तो आंखें जल रही हैं, मतलब दोपहर से ही, ये तो सो गई मस्त एक घंटा, मैं तो खाना खा के सो गई, मेरे से मैं सो नहीं पाया, मेरी आंखें इतनी जल रही है, जाके टाटा बाय बाय गुड नाइट हो जाएगा मेरा। लेकिन बहुत दिन के बाद, पहले तो आते थे होटल में रुकते थे, मतलब जब वारंगल में थे हम लोग, अभी भी आज भी लग रहा था कि अभी होटल में जाके होटल में चेक इन करना पड़ेगा अभी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है ये कि घर है, इसीलिए मतलब पहले आते थे टूरिस्ट की तरह, आए हैं देखेंगे फिरेंगे घूमेंगे फिरेंगे खाना वाना खाके बैक टू वारंगल नाउ। और घर बहुत अच्छा मिला है, इट्स अ नाइस हाउस, बहुत बड़ा नहीं है, वारंगल वाज वेरी बिग, मतलब वो ट्रिपल बेडरूम हाउस था, उसमें दो रूम तो बेकार, मतलब हम लोग यूज ही नहीं करते थे, जाते भी नहीं थे उस रूम्स में, यहाँ पे डबल बेडरूम हाउस है तो हम लोगों के लिए काफी अच्छा है। होम टूर कराएंगे आपको, नीता करवाएगी। तो चलिए घर में मिलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और जो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो प्लीज सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं कल और एक नया ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट।